डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर उपस्थित हैं आपको पढ़ाने के लिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा था हिमांक अवनमन, जो अणुसंख्य गुणधर्म है डायल्यूट सॉल्यूशन का, ये लास्ट प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। तीन प्रॉपर्टी अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ा चुके हैं। आज हिमांक अवनमन का एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन कैसे करेंगे, प्रायोगिक निर्धारण कैसे करेंगे, ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। हेडिंग देखिए, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ फ्रिजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हिमांक अवनमन का प्रायोगिक निर्धारण। इसको दूसरी तरह पूछ सकते हैं, हिमांक अवनमन से विलय के अणुभार का प्रायोगिक निर्धारण, या हिमांक अवनमन का निर्धारण है। इस प्रकार पूछ सकते हैं, प्रयोग द्वारा हिमांक अवनमन द्वारा या हिमांक अवनमन से किसी विलय का अणुभार का निर्धारण कीजिए। दोनों बात पूछ सकते हैं, हिमांक अवनमन पूछ सकते हैं और एक कदम आगे जाकर हिमांक अवनमन से विलय के अणुभार का निर्धारण। चलिए, पहले विधि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं बिग मान मेथड है। एक मान साइंटिस्ट हुआ था उसने 1888 में। इस विधि को द्वितीय प्रयोग में लाया था। इस विधि को 1888 में बिग मान एक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने इस विधि द्वारा हिमांक अवनमन ज्ञात किया। डायग्राम देखिए आप, बिग मान विधि है। इस डायग्राम में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जिस इस उपकरण में, पहले हम उपकरण के बारे में बताएंगे, फिर हम इसका प्रोसीजर बताएंगे किस तरह से हिमांक अवनमन हम ज्ञात कर सकते हैं। इक्विपमेंट, पहले इक्विपमेंट के बारे में बताएंगे, उपकरण के बारे में बताएंगे। क्लियर, ध्यान दीजिए। उपकरण में इधर देखिए, एक फ्रिजिंग ट्यूब होती है जिसको हमने यहां ए नाम दिया है। जो ये नली है, ये फ्रिजिंग ट्यूब है, ये नली का है। क्या ये हिमीकरण नली का हिंदी में कहते हैं, वैसे इसको फ्रिजिंग ट्यूब कहते हैं। ए बी भी है। इस फ्रिजिंग ट्यूब में एक बिग मान थर्मामीटर लगा रहता है। कौन सा थर्मामीटर? बेक मान थर्मामीटर, देख रहे हैं। एक विडोलक लगा रहता है दोनों को इस नली में फिट कर देते हैं, गौरव द्वारा फिट कर देते हैं। इस नली के साइड में एक साइड ट्यूब भी होती है, पास नली भी होती है, जो ये दिखा रखा है, पास ट्यूब भी होती है, जिसमें से विलय पदार्थ को मिलाया जाता है, डाला जाता है। ये आगे बताइए, अब इस फ्रिजिंग ट्यूब को एक अन्य नली सी, ध्यान दीजिए ये सी लिख रखा है, उसमें फिट कर देते हैं। इस फ्रिजिंग ट्यूब को एक अन्य नली, जो यहां हमने सी बताई है, उसमें फिट कर देते हैं। इस सी नली और फ्रिजिंग नली के मध्य रिक्त स्थान रहता है। क्या रहता है? यहाँ खाली स्थान रहता है, यहाँ ए भरी रहती है। बच्चों क्या भरी रहते हैं? हवा। वायु भरी रहती एयर, एआईआर लिख देता। फ्रिजिंग नली और ये नली सी के
नीचे रिक्तस्थान रहता है जिसमें हवा भरी रहती है, ये इसलिए सुपर कूलिंग नहीं हो, मतलब तापमान तेजी से नहीं गिरे, इस कारण से यहाँ ये कुताला की भांति थोड़ा बहुत व्यवहार करती है एयर। इन दोनों नलियों को, नली ए और नली सी, दोनों नलियों को एक पात्र जिसमें हिमेशन भरा हुआ है, आइस मिक्सचर हिमेशन भरा हुआ है, उसमें फिट कर देते। नली सी इंक्लूडिंग नली ए, इनको एक पात्र जिसमें आइस मिक्सचर लिया हुआ है, हिम मिक्सचर लिया हुआ है, उसमें फिट कर देते हैं। इस हिम मिक्सचर का टेम्परेचर शुद्ध विलायक के टेम्परेचर से कम 5 डिग्री कम होना चाहिए। जब शुद्ध विलायक लेंगे, पहले कौन सा विलायक लेंगे, उस विलायक के हिमांक से इस आइस मिक्सचर का ताप कितना होना चाहिए, 5 डिग्री कम होना चाहिए, 5 डिग्री कम होना चाहिए, ये ध्यान रखने। इस हिमेशन में एक वीडियो लगा रहता है, क्लियर। ये था उपकरण के बारे में हमने सारा बताया। अब आती है विधि, मेथड। विधि बोती जी, आपने इक्विपमेंट तैयार कर लिया। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम जो फ्रिजिंग नली है उसमें शुद्ध विलायक की एक खुली हुई मात्रा लेते हैं, शुद्ध विलायक की प्योर सॉल्वेंट। दस से 15 ml के करीब शुद्ध विलायक लेते हैं, इसमें इस फ्रिजिंग ट्यूब में, इसमें ए में ले लिया। अब नली को फिट कर दिया हमने, इसमें विलायक लिया। अब क्या होता है, तापमान तेजी से गिरता है, जो शुद्ध विलायक का टेम्परेचर तेजी से गिरता है, और तेजी से गिरकर 0.5 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, मतलब इतना कम हो जाता है, अर्थात सुपर कूलिंग हो जाता है। जैसे आप फिट करेंगे, क्योंकि आइस है, आइस बॉक्स है, तो इस विलायक का टेम्परेचर तेजी से गिर जाएगा, सुपर कूलिंग हो जाएगा, क्रिस्टल नहीं बनेंगे, सुपर कूलिंग हो जाएगी। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे इस मेटोलॉग की सहायता से इसे हलाते हैं, शुद्ध विलायक हलाएंगे तो धीरे धीरे उसमें ठोस क्रिस्टल बनने आरंभ हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, ठोस क्रिस्टल बनने आरंभ हो जाएंगे, और तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, जो एकदम से सुपर कूलिंग हुआ, हलाएंगे तो हीट उत्पन्न होती है, जिससे तापमान थोड़ा थोड़ा बिग मैन थर्मोमीटर में बढ़ेगा, और इसमें क्रिस्टल बनने आरंभ हो जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी, तापमान एक जगह स्थिर हो जाता, इस तापमान को नोट कर लेते हैं, ये तापमान शुद्ध विलायक का हिमांक माना TF, शुद्ध विलायक का हिमांक TF, क्लियर। हमने शुद्ध विलायक का हिमांक ज्ञात कर लिया। अब फ्रिजिंग नली को बाहर निकालते हैं, और इसमें जो शुद्ध विलायक सॉलिड बन चुका है उसको पिंगालते, मेल्ट करते, थोड़ा गर्म कर ले, जिससे ये जो शुद्ध विलायक ठोस बन गया है ये पिंगल जाता है, पिंगल गया। अब इसमें साइड ट्यूब से विलय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा डालते, क्या डालते, सॉल्यूट, चाहे वो नमक हो, चाहे आपका आप जो भी चाहे सॉल्यूट लेना चाहे, शुगर हो, वो डालते एक निश्चित मात्रा में, और इसको हलाते, इस फ्रिजिंग ट्यूब को हलाते हैं, जिससे ये विलयन बन जाता है। इसमें जो शुद्ध विलायक था
वो पिघल गया और इसमें हमने सोल्यूट डाल दिया, हिलाएंगे तो विलीन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन की फिलिंग ट्यूब को वापस उसी में फिट कर देते हैं, फिलिंग जो मिक्सर है उसी पात्र में इसको फिट कर देते हैं, उन्हें वही बात दोहराते हैं धीरे धीरे। इस विडोलक को हलाएंगे तो इसमें क्रिस्टल बनने आरंभ हो जाएंगे और उस तापमान को हम वेक मान थर्मामीटर से नोट करते जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी इसमें क्रिस्टल बनने आरंभ हो जाते और उस स्थिति में वेक मान थर्मामीटर का ताप स्थिर हो जाता है। इस ताप को नोट कर लेंगे, ये विलयन का हिमांक होगा। क्या होगा, किसका? विलयन का हिमांक होगा, माना ये टी शुद्ध विलायक का हिमांक, विलयन का हिमांक, दोनों मानकर हिमांक अवनमन, दोनों मंत्र क्या होगा, हिमांक अवनमन। इस प्रकार से हम हिमांक अवनमन इस वेकमान विधि द्वारा ज्ञात कर सकते। अब इससे विलय का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे? अणुभार के लिए आपने हमें सूत्र दिया हुआ है एम बराबर 1000 के एफ अपॉन डेल टी एफ, 1000 अपॉन डेल टी एफ, ये विलय का अणुभार हो गया। जब ये मान ज्ञात हो जाएगा तब हम इस फॉर्मूले में रखकर उसका नोट कर लेंगे और किस प्रकार से विलायक का विभार लिखेंगे। यहां आप समझे कि नहीं, ये फॉर्मूला है एम बराबर 1000 के छोटा डब्ल्यू डेल टी एफ बड़ा डब्ल्यू। ध्यान दीजिए, पुनः हमने डेल टी एफ किससे ज्ञात कर लिया, इस वेकमान विधि से ज्ञात कर लिया, कर लिए। विलायक का भार हमें मालूम है, विलायक का भार हमें मालूम है, के एफ का मान दिया हुआ रहता है बुक्स में। ये मान इस सूत्र में रखकर विलय का अनुभार ज्ञात कर लेते हैं, के एफ डब्ल्यू डेल टी एफ बड़ा डब्ल्यू का मान ज्ञात होने पर हम किसी विलय अवास्तविक विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते। तो समस्या बहुत ही जी, एक बार आप शुद्ध विलायक का हिमांक ज्ञात कर लीजिए, दूसरी बार उस विलायक में विलय डालिए विलीन बन गए उसका हिमांक ज्ञात कर लीजिए। दोनों हिमांकों में अंतर, हिमांक अवनमन है, उसको इस सूत्र में रखकर विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते। क्लियर, एक विधि। एक दूसरी विधि और है, ज्यादा बड़ी नहीं है, रॉस्ट कैम्फर मेथड, मतलब रॉस्ट कपूर विधि, ये दूसरी विधि है। बुक तो इंपोर्टेंट तो यही ज्यादा, यही ज्यादा परीक्षा में पूछते हैं, वेकमान विधि द्वारा हिमांक अवनमन का प्रायोगिक निर्धारण कीजिए, वेकमान विधि द्वारा किसी विलय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण कीजिए। लेकिन ये बता देते हैं हम राज कपूर विधि, कपूर यहां हम एक विलायक के रूप में काम लेंगे, क्या लेंगे, विलायक। इस विधि में एक ऐसे विलायक का चुनाव किया जाता है जिसका मोलर
हिमान अवनमन स्तरम जो जो केफ का मान है वो बहुत अधिक रख लीजिए। इस निधि में ऐसे विलायक का चुनाव किया जाता है जिसके मूलन अवनमन स्तरम केफ का मान अधिक। और कपूर केफ का मान होता है 36.3 डिग्री से, काफी अधिक होता है। इसका मान जब अधिक होता है, इसके अलावा और भी काफी है, जैसे टेट्राब्रोमेथेन, हेक्साक्लोरोएथेन, एक अन्य विलायक भी आप काम में ले सकते हैं जिनके केफ का मान बहुत ज्यादा होता है। अब यहां कपूर इसलिए एक साइंटिस्ट हुआ था, उन्होंने कपूर विलायक को लेकर हिमांक अवनमन ज्ञात किया। कैसे करते हैं? बहुत सिंपल, कपूर लीजिए आप, केश नली कैपिलरी मेथड द्वारा उसका गलनांक ज्ञात करते हैं। प्रैक्टिकल में होता है, फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकलों में कैपिलरी, एक कैपिलरी होती है, इस कैपिलरी विधि द्वारा क्या ज्ञात कर लेते हैं? कपूर का गलनांक ज्ञात कर लेते हैं, मल्टिंग पॉइंट ज्ञात करेंगे। याद रहे, मल्टिंग पॉइंट ज्ञात करेंगे। केस नली विधि द्वारा कपूर का गलनांक ज्ञात कर लेना। क्लियर? अब उस जो कपूर है उसको लेते हैं 10-12 ग्राम कपूर लेते हैं, 10-12 ग्राम कपूर लेंगे, इसमें 1 ग्राम विलेय पदार्थ मिला लेंगे। कपूर सॉलिड होता है, विलेय पदार्थ सॉलिड है, दोनों को खरल से पीस लेंगे, ठीक है ना। 1 ग्राम विलेय पदार्थ, 10-12 ग्राम कपूर लेकर खरल से उसको पीस लेंगे। तत्पश्चात इसको एक टेस्ट ट्यूब पर लेकर गर्म करेंगे तो एक विलयन बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। दोनों को खरल से पीस लिया, अब एक टेस्ट ट्यूब में लेकर, एक मोटी टेस्ट ट्यूब में लेकर, बड़ी टेस्ट ट्यूब में लेकर उसको पिघलाते हैं, गर्म करते हैं, जिससे वो पिघल जाता है और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, समांगी मिश्रण बन गया। समांगी मिश्रण ये विलयन ही है, एक सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है, ठोस विलयन बन गया, क्योंकि हमने इसमें कपूर भी है और विलेय पदार्थ भी है, दोनों को गर्म किया है, पिघल जाते हैं और समांगी मिक्सचर बन जाता है या सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर? अब ये ठोस बन गया तो उसको थोड़ा सा पार्ट लेकर इसको पीसते, उसको पीसते पाउडर बना लेते, बना लिया पाउडर, उन्हें उस केस नली विधि द्वारा इस ठोस सॉल्यूशन, ठोस विलयन का गलनांक ज्ञात करते हैं। ये विलयन का गलनांक हो गया। देखिए, पहले हमने गलनांक किसका ज्ञात किया था? केवल कपूर का गलनांक ज्ञात किया। अब जो विलयन बना है ठोस सॉल्यूशन, उसका गलनांक ज्ञात किया। दोनों गलनांकों में अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है ना, नहीं बात? दोनों गलतियों को जो गलनांक होगा वही हिमांक होगा, तो दोनों गलनांकों में जो अंतर होगा वो क्या होगा? डेल्टिया, हिमांक अवनमन होगा। इस प्रकार से राष्ट्र कैम्फर मेथड द्वारा हिमांक अवनमन ज्ञात कर सकते हैं। यहां गलनांक ज्ञात करेंगे पहले, दोनों में अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है। जब हिमांक अवनमन हमें मालूम चल गया हम विलय का अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये दो विधियां थी जिसकी सहायता से हम हिमांक अवनमन का प्रायोगिक निर्धारण
कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आर आर कॉलेज अलवर राजस्थान, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। कोई समस्या हो मेरे पढ़ाने पर, कुछ समझ में नहीं आया हो मेरे पढ़ाने पर, तो आप मेरे YouTube चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव पर जाकर कमेंट्स कीजिए, अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन का अवश्य जवाब दूंगा। लेकिन उसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विस्तृत अध्ययन के लिए आप मोना प्रकाशन, जो अलवर से प्रकाशित पुस्तकें हैं केमिस्ट्री की, उन्हें पढ़िए, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। भौतिकी केमिस्ट्री, घबराने की बात नहीं। आप मेरे प्रत्येक वीडियो को देखिए, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से लिंक जुड़ा हुआ है, किसी वीडियो को मिस मत कीजिए। हंसिए, मुस्कुराइए, बेस्ट ऑफ लक।